नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और लेकर हाजिर हूं आपके लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। यस बैंक 50,000 निकासी की सीमा से हड़कंप, एटीएम और आधी रात से उमड़ी भीड़, ई बैंकिंग ने भी छकाया। दिल्ली में मिला कोरोना का एक और पीड़ित। यस नहीं नो बैंक, राहुल का वार, मोदी और उनके विचारों ने बर्बाद कर दी अर्थव्यवस्था। लोकसभा में कमेटी गठित, 2 से 5 मार्च के बीच हंगामे की जांच। दिन में छाया अंधेरा, तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश, कई इलाकों में चेतावनी जारी। हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता का निधन, जींद में ली अंतिम सांस। चंडीगढ़ में एक भयानक हादसा होने से टला, तेज हवा के साथ बारिश के चलते सीटीयू बस बाल बाल बची। हरियाणा सीएमओ में नए अफसरों की तैनाती, सीएम मनोहर लाल ने बांटे विभाग। वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने पैसा निकालने की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत खाता धारक अब यस बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे। भारत में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कोरोना से ग्रसित एक और मरीज की पहचान हुई है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। बताया जा रहा है कि यह शख्स थाईलैंड और मलेशिया से वापस लौटा है। अब तक कोरोना वायरस के 31 मामले सामने आ गए हैं। यस बैंक संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा कि यस बैंक नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और उनके आइडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण का शुक्रवार को 5वां दिन है। इस सत्र की शुरुआत दिल्ली हिंसा पर विपक्ष के हंगामे के साथ हुई है। लोकसभा में कार्रवाई के बावजूद दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस क्रम में लोकसभा ने आज स्पीकर की अध्यक्षता में हंगामे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया, जिसमें सभी दलों ने नेता शामिल होंगे। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। इसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 5 और 6 मार्च को पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज और ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री व अग्रवाल समाज के नेता मांगेराम गुप्ता का निधन हो गया। वह 85 साल के थे। उन्होंने शुक्रवार सुबह जींद के गांधीनगर स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। वह पिछले समय से काफी बीमार चल रहे थे। उनका चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। उनके निधन से जींद में शोक छा गया है। शहर में शुक्रवार सुबह एक बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया। दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया थाना के अंतर्गत आने वाले मंडेला लाइट पॉइंट से कुछ ही दूर पर एक चलती सीटीयू बस पर अचानक पेड़ आ गिरा। दरअसल इस दौरान गनीमत यह रही कि बस खाली थी। खुल्लर हुए विदेश रवाना, वी उमा शंकर संभालेंगे उनका कार्यभार। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें लेकर, और आप देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।